यहाँ से अपना मेन एंट्रेंस फिर सीधा होने देख सकते सुंदर सा शान सा, यहाँ पे कोई बोलो वॉलीबॉल का भी ग्राउंड है, यहाँ पे खो खो का भी ग्राउंड है सब। तो यहाँ से अपना मेन एंट्रेंस सीधा होद देख सकते हो, नेचर ही नेचर है पूरा। आओ इधर हरियाली में बैठो, यहाँ पे पूरा गार्डन है देख सकते हो, मतलब मेंटेन नहीं है इतना भी, लेकिन हो जाएगा इन फ्यूचर हो जाएगा। देखो ये सिक्योरिटी रूम, यहाँ पे कोई चेकिंग वेकिंग होता नहीं है, टेंशन नहीं लेगा। और यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भी एक है और यहाँ से भी एक है, अपन चलते इधर से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है छांव और इधर 42 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अपन अभी धूप में जाने का कोई शौक है नहीं, इसलिए अपन प्रेम से इधर से जाएंगे और पूरी कॉलेज का और टूर करेंगे। टूर नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ऊपर ऊपर से, इसलिए आपका आइडिया आ जाए कि नहीं कॉलेज कैसी है ये वो देख सकते हो। गाइस देखा जी यहाँ पे दिख रहे हैं वो, वहाँ पे होते कबड्डी की, कबड्डी का मैच वहाँ पे होता है। ये है अपना कोई वो स्टार्टअप की बिल्डिंग यहाँ पे। हमने तो अब तक कभी कॉलेज में नाम भी नहीं सुना, लेकिन पता है ऊपर ऊपर से पता है कि स्टार्टअप का ये दूसरा गेट है, लेकिन ये कभी ओपन नहीं होता, ऐसे ही पड़ा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये है पूरा सिविल डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट देख सकते हो। और वो है अपना वो क्या है एडमिन ब्लॉक है गाइस, एडमिन ब्लॉक के अंदर एक बैडमिंटन का कोर्ट है, यहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हो, लेकिन वो सिंथेटिक नहीं है, ब्लॉक वाला है ब्लॉक वाला है, इसलिए वहाँ पर खेले नहीं जा सकते, क्योंकि मैं गया हूँ, रैकेट दो तोड़े मैंने और घुटन वुटन तोड़े वो अलग, इसलिए वहाँ पर आपको बैडमिंटन खेलना है तो फिर आपके रिस्क से खेलना होगा। ये है सिविल ब्लॉक, अब इसके अंदर भी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को रिपोर्ट सबमिट करने अगर गया तो सर पकड़ लेंगे। ऊपर ऊपर से देखो ये है एडमिन ब्लॉक, इसके अंदर भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ भी सर होंगे तो पकड़ लेंगे मेरे को, चलते दूसरे ब्लॉक पे। चलो दिखाई देता हूँ एडमिन ब्लॉक थोड़ा बाहर बाहर से, देख सकते हो ये एडमिन ब्लॉक, यहाँ पे होता है कबड्डी का मैच, ये कुछ एडमिन ब्लॉक ऐसा, यहाँ पे सब एसी पीसी का काम यहाँ पे होता है। अंदर से जाओगे राइट साइड में पूरा एसी पीसी का होगा सेंटर, देख सकते हो वहाँ पे नेट दिख रही है, ये एंट्री है, यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट, यहाँ पे पूरा ऐसा, यहाँ पे अगर कोई बेसी पीछे का काम हो तो यहाँ पे आने का रजिस्टर ऑफिस में। अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक में, फिर ये सीनू का आपका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चल चलते हैं। अब कौन से ब्लॉक में? तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको आपके सीट नंबर वगैरह सब यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी एग्जाम के पहले आपके सीट नंबर सब इधर बोर्ड में स्टिक किया जाते हैं अपने एडमिन ब्लॉक के बाहर। देखो ये सब रिपोर्ट जमा करवा गया है। और ये डिपार्टमेंट है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर तो मैं जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो हमारे सब ईजीडी लेते थे, इसलिए ईजीडी वालों से अपना दूर दूर का नाता है, दूर दूर का भी नाता नहीं है, ईजीडी वालों से दूर रहने का। और बताओ ना ईजीडी में मेरी बैकलॉग 6 सेम तक चली थी गाइस, लिटरली 6 सेम तक मेरे को, और 5th सेम में तो मेरे को फेल कर दिया, मैंने बोला कि पास कर दो, तो बोला ऐसे नहीं होगा नेक्स्ट टाइम आ जाना, तो नेक्स्ट टाइम मेरा 2 रिजल्ट बढ़ गया। ये है पूरा मैकेनिकल, यहाँ पे है वर्कशॉप, मैकेनिकल के सामने है वर्कशॉप, वर्कशॉप भी अंदर बहुत बढ़िया है, अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं गया ही नहीं हूँ, क्योंकि जब वर्कशॉप था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए कॉलेज में ऑलरेडी मैं 3 महीना लेट आया था। मेरे को पता है आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे को बताने में इंटरेस्ट है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास गाइस, अगर आप कॉलेज में आओ एडमिशन लेके तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी कॉलेज दिखती कैसे है। ये है ग्राउंड, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इंटरनेशनल ग्राउंड हाँ फुल, यहाँ पे वो वॉलीबॉल का भी ग्राउंड है, यहाँ पे खो खो का भी ग्राउंड है, सब ऑल इन वन ग्राउंड है। और ये है फुटबॉल प्लेयर, ये ओनली वन सीन से बी, ये है मैकेनिकल, अब ये है इलेक्ट्रिक। तो गाइस इलेक्ट्रिक ब्लॉक के HOD अपने फुल फ्रेंड है, क्योंकि अब मैं और HOD सर बैडमिंटन डेली साथ में खेलते हैं, फुल मतलब फ्रेंड टू फ्रेंड। मेरे को हो रहा है कि मेरे को है ना इलेक्ट्रिक में एडमिशन लेना था, इसलिए मेरा सब काम बैठे बैठे हो जाता है, अभी मैं जाऊंगा तो बोलेंगे आज आ भाविन चल बैठ ऑफिस में आ जाए, ऐसे में क्यों धूप में घूम रहा है, लेकिन नहीं जाऊंगा क्योंकि आज खेलने जाना पड़ेगा, और आज मेरे पास स्पोर्ट वोट कोई है नहीं, इक्विपमेंट नहीं है, और रैकेट भी छोड़ दिया सर ने। ये है इलेक्ट्रिक ब्लॉक, अब आगे चलते हैं, ये देख सकते हो ये ग्राउंड है ऐसा, ये कौन सा ब्लॉक है,
कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बॉयज है गाइस। मेरे को पता ही नहीं है कि कौन से ब्लॉग है, क्योंकि मैं कॉलेज आया ही नहीं हूँ कभी। ये कंप्यूटर ब्लॉग है सुनसान जगह पे, और आपको लड़कियां देखने मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ब्लॉग में। दूसरे एक भी ब्लॉग में आपको एडमिशन लेने की जरूरत है ही नहीं। चले तू, यह कंप्यूटर ब्लॉग देखो, वहाँ पे ग्रुप बैठा ही है, और वहाँ पे मैं कैमरा बंद कर दूंगा, क्योंकि नए नए यूट्यूबर होते हैं तो साई फील होता है थोड़ा सबके सामने कैमरा खोल कर। लेकिन नहीं, आज हम अपने साई से लड़ेंगे और कैमरा साई से लड़ेंगे और कैमरा स्टार्ट करके जाएंगे वहाँ से। ये है कंप्यूटर ब्लॉग, देख सकते हो। चलो अब चलते हैं, ये है अपना साहिल। देख सकते हो गाइस, ये साहिल आते ही गूगल चालू हो गया। आप इंजीनियरिंग कैसे चल रही है? अरे एकदम कड़क ना सर। चलो शानदार सही है। चलो तो गाइस, कंप्यूटर के ब्लॉक से आप थोड़ा सा आगे आओगे, आगे मतलब आगे आओगे तो ये है लाइब्रेरी ब्लॉक। देख सकते हो सुंदर सा शान सा, जहाँ पे कोई नहीं होता लाइब्रेरी में। आप आओ और आप बड़ा हो तो चलेगा। और ये है कैंटीन, यहाँ पे ए सी पी सी का यहाँ पे भी काम होता है। देखो ऑफिस खुली है, ये कैंटीन। और ये सब है मेरे एडमिन में, कोई नहीं है। दामोदरिया सर बोल सर, हाँ अपने सर दामोदरिया। ये कैंटीन, यहाँ पे पार्किंग, बाकी सब ये सीट भी नहीं है। ये वर्कशॉप ग्राउंड वैसे तो दिखाई दिया। अब आप, मैं आपको हॉस्टल हॉस्टल का गाइस अगर आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग डाले है, देख लेना दोनों हॉस्टल के, हॉस्टल कैसी है, हॉस्टल के रूम वूम फैसिलिटी वैसिलिटी क्या है, सब मैंने पूरा डिटेल में बता कर रखा है, तब वो एक बार चेक कर लेना। ये सी है कैंटीन। कैंटीन में गाइस आपको 24/7 कुछ नहीं मिलेगा, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं भी आया ना गाइस, लिटरली बताओ ना, मैं इधर देखने आया तो इधर वो एमिनिटीज लिखा था। मैंने सोचा वो भाई जिम विम होगा, आ जाओ एडमिशन ले लो, जिम ही करना, अपने को कॉलेज वॉलेज में कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है। लेकिन आगे देखा तो जिम बंद, एडमिशन कैंसिल। कैंटीन में कभी कोई था ही नहीं, सूखा सूखा पूरा कॉलेज। और कोरोना दिखा और कोरोना गाइस, तब से पूरा इंटरेस्ट कॉलेज से चला गया और 2 साल घर पर बैठ के बात खत्म। नहीं वो करना। तो गाइस ये देख लिया आपने, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कॉलेज कैसी है। अच्छी लगे तो एडमिशन लो, कोई बात नहीं, ले लो। हाँ ले लो। लेकिन मैं पर्सनली बताऊँ ना, पर्सनली लिटरली तो मत लो। लिटरली ले लो। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए आपको करियर चाहिए तो मत लो। करियर चाहिए तो मत लो। मेरे हमको भी लगा इधर करियर है, लेकिन था ऐसा कुछ नहीं कि नहीं था, इधर भी करियर था, लेकिन कोरोना में सब करियर चौपट हो गया। लेकिन फिर हमको भी 15 से वो रिग्रेट हो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। डिग्री लेके घर जाओ। हाँ डिग्री लेके, देखो गाइस यही कर रहे हैं। डिग्री के अंदर भी देखो क्या है, मिरिंडा माउंट ऑफ व्यू नीचे क्या दिख रहा है, ऊपर दिख। तो गाइस ऐसे बता रहा हूँ मैं। और ये है अपना नकुल, हाँ टॉपर है गाइस, टॉपर ऐसा कुछ लिटरली टॉपर है। आज तक एक भी बैक नहीं है। हाँ और गाइस मेरे हर सेमेस्टर में भी, हाँ हर सेमेस्टर में मेरे तो ईजीडी बताया ना मैंने, 6 रिजल्ट है फर्स्ट सेम के, मेरे 6 रिजल्ट है लिटरली, वही। और ये है अपना फिर से देखा, फिर से एडमिन में आया, घूमते ब्लॉग बनाते बनाते फिर से एडमिन में आ चुका हूँ मैं। देखते एडमिन में क्या है, क्या करना जा रहा है एडमिन में, काम है थोड़ा पैसे भरने। पैसे गाइस, पैसे वाले लोग हैं बहुत करोड़पति है, कुछ ज़्यादा नहीं, 30 रुपये भरने। वो क्या कर रहे हैं, आ जाओ भाई क्या कर रहे हो वहाँ पे। तो गाइस हॉस्टल अगर आपको एक दिन के लिए रुकना है तो 30 रुपये भरने पड़ते हैं। अगर आपका एट सेम का इंटर्नशिप खत्म चालू हो तो फिर आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए हॉस्टल से। फिर अगर कभी भी रहना हो, स्टे करना, तो आप 30 रुपये भर के रह सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो सकता है, इलीगल रहने का अपन की तरह। चलो अब चलते हैं, कैमरा ऑफ करता हूँ। भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब, और दूसरा किसी का भी रिव्यू भी दीजिए जी से दावत में तो बताना, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी आऊँगा दावत में तो बता दूंगा। और ये देखो भाई, बस कर कोई बताना जाएगा न्यू फ्रेशर्स के लोगों को? कुछ नहीं बताएगा। चलो इधर बैठते अपन, सिक्योरिटी के अंकल तो वहाँ पर हो। तो ये है था गाइस पूरी दावत का कैंपस रिव्यू, ये था। अब अंदर से मैंने आपको एडमिन ब्लॉक दिखा दिया है, वैसा ही है, ज़्यादा कुछ अच्छा अच्छा है नहीं। अगर हाँ है, हाँ पढ़ना लिख पढ़ते फिर मुझे देखो रही है। तो अभी अपन इधर वीडियो ऑफ करते हैं। अगर आपको हॉस्टल ददीजी हॉस्टल, दो हॉस्टल है इधर, एक ददीजी हॉस्टल, एक लव्य हॉस्टल। ददीजी हॉस्टल में न्यू हॉस्टल है, अभी रिसेंटली हम आए 2019 में, तभी उसका ओपनिंग हुआ है। और एक लव्य तो पुरानी है, तो वहाँ तो पहले से ही है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ एक लव्य में रहने का। लेकिन वहाँ वॉशरूम की आपको पता है हॉस्टल में वॉशरूम कैसे होता है, वैसे ही है, कैसा है कॉलेज लाइफ आपको पता ही है कैसी होती है। हमारी तो कोरोना में निकल गई, इसलिए हमने तो कॉलेज लाइफ की नहीं, इसलिए अब मास्टर करने वाले फिर से कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कॉलेज सही से चूज़ करना, टाइम पास के लिए कॉलेज चूज़ मत करना, कॉलेज को सीरियसली लेके फिल करना फॉर्म, बस यही बताना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना,
बस अपने दोस्तों को शेयर करना जो दावत में आने का सोच रहे, उसे एक बार वीडियो पूरा दिखा देना। बस बात करता हूँ, क्या हुआ, चलो चलते हैं।